बैरसिया में हुई गायों की मौतों को लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित कांजी हाउसों में भी अव्यवस्थाओं को लेकर रोष प्रकट किया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से बैरसिया में गौशाला में 20 गायों की मृत्यु हुई और 80 कंकाल प्राप्त हुए, इससे यह हत्या का अंदेशा लगता है और संस्कृति बचाओ मंच यह मांग करता है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो गौ हत्या करेगा उसको संस्कृति बचाओ मंच सीधी कार्रवाई करके और दंड देने से भी बाज नहीं आएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बैरसिया में हुई गौशाला में जो 100 कंकाल गायों की हत्या, हम तो उसे हत्या ही कहेंगे, उस हत्या को लेकर संस्कृति बचाओ मंच अपना रोष प्रकट करता है और इसकी शीघ्र जांच होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने पहले भी जो है इसके लिए आवेदन दिया था और शिकायत करी थी, लेकिन वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो गोहत्या करेगा वो गोहत्यारा है और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच कल जाकर वहां पर फिर से जो है मांग करेगा कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और अधिक से अधिक इनको सजा देनी चाहिए। और अब संस्कृति बचाओ मंच भोपाल और भोपाल के आसपास की गौशाला और प्रदेश भर की गौशालाओं में औचक निरीक्षण करे।